नमस्कार, मम्मी एमी किचन फूड में आपका स्वागत है। और ये रहा तेज पत्ता, और ये जीरा और लाल मिर्च। तो आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ आपको बता रही हूँ। और इधर दाल बना लिया है, दाल बना लिया है, दाल पक रहा है, अच्छी तरह से पक गया है दाल। ये देखिए गल गया है बिल्कुल। और ये पालक बॉईल कर ली हूँ। पालक तो मिल ही नहीं रहा अभी, बड़ी मुश्किल से मिला है, सब जगह पानी पानी हो रखा है। और ये आटा गूंद करके छोटी छोटी टिक्की बना ली हूँ, इसे थोड़ा और ऐसे ऐसे कर दूंगी, हो जाएगा। तो दाल में के दूल्हा बना रही हूँ, पालक विथ पालक, और इसके अंदर प्याज। तो ये देखिए दाल के दूल्हा मैं दाल में डाल रही हूँ, ऐसे एक एक कर करके सब डाल दूंगी। आप सेफ जो भी देना चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करके इसके अंदर कुछ भर भी सकते हैं, नहीं भर के ऐसे भी डाल सकते हैं। तो आपको जैसे मर्जी है, इसको कटोरी जैसे बना दीजिए। तो इसी तरह साड़ी में इसके अंदर आटे के अंदर डाल देती हूँ, और इधर प्याज भून रही हूँ। तो देखिए ये पक रहा है अच्छी तरह से दाल के अंदर। अब ये 10-15 मिनट और पकेगा, अच्छी तरह से आटे इसमें पक जाएंगे, तो दाल की दूल्हा खाने में बहुत अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ दाल की दूल्हा बोलते हैं, पता ना आपके यहाँ क्या बोलते हैं, दल पिट्ठी भी बोलते हैं हमारे यहाँ, ये दाल की पिट्ठी है आप जो इसको बोलें। और इधर प्याज पक गई है, और ज़्यादा इसे नहीं करना, मसाले डालते हैं। मसाले में है अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसी के अंदर थोड़ी धनिया है, और ये जीरा मरी काली मिर्च, और जीरा और हल्दी है, और हरी मिर्च भी है इसके अंदर। तो मैं मिर्च नहीं डालूंगी, और दाल के अंदर मैं नमक डाल रखी थी, इसमें थोड़ी सी नमक डालूंगी बस। और इसे अच्छी तरह से भूनूंगी, भूनने के बाद इसके अंदर पालक डाल के भूनूंगी। पालक को इसने बॉईल कर ली थी अच्छी तरह से, और इसे मिक्सी में नहीं पीती हूँ, ऐसे ही इसको हाथ से तोड़ दी हूँ। अब मैं इसके अंदर उसको भून लेती हूँ, उसके बाद में दाल के अंदर डाल दूंगी, दल पिट्ठी के अंदर। अब इसके अंदर ये मसाले डाल रही हूँ मैं, जो साग बनाई हूँ। देखो बहुत अच्छी टेस्ट होगी, एक बार जरूर बनाइए। पूरा प्रोटीन से भरा हुआ है, आंखों के लिए साग है तो बहुत अच्छा है। अब इसे मैं 10 मिनट और पकाऊंगी। तो लीजिए दाल में की दूल्हा यानी कि दल पिट्ठी बन के तैयार है। अगर आपको अच्छा लगे तो मम्मी एमी किचन फूड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।